केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बजट को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत है, कुछ राज्यों को बजट में विशेष पैकेज मिलते रहते हैं, ये लंबे समय से होता आ रहा है। देश में रहने वाले हर गरीब को मुफ्त चावल दिया जा रहा है, इसमें किसी राज्य जाति धर्म का कोई भी भेदभाव नहीं है। अब तक 4 करोड़ घर बन चुके हैं और आने वाले 5 सालों में 3 करोड़ और घर बनेंगे। देश के विकास, गरीबों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा बजट है। रेवंत रेड्डी की सरकार को सत्ता में आए 8 महीने हो गए हैं। उन्होंने 6 गारंटी दी थी लेकिन एक भी गारंटी लागू नहीं की। अब इससे बचने के लिए वो ये झूठ प्रचार कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने तेलंगाना को कुछ नहीं दिया। वो नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करना चाह रहे हैं तो करे, लेकिन जैसे तेलंगाना के लोगों ने केसीआर का बहिष्कार किया, आने वाले दिनों में लोग उनका और उनकी पार्टी का भी बहिष्कार करेंगे। बहुत गलत है, कभी भी बजट में कोई कुछ प्रांतों को स्पेशल पैकेज मिलते रहते हैं, अभी नहीं पहले से, रेलवे बजट में हो, जनरल बजट में हो, मिलते रहते हैं। इस साल एक दो स्टेट को थोड़ा स्पेशल दिए गए, उसके लेकर हमारा स्टेट को क्या दिया है? देश में रहने वाले हर गरीब को, 80 करोड़ जनता को हम हर महीने 5 रुपये चावल मुफ्त में दे रहे हैं। कोई स्टेट को इसमें, कोई रिलीजियस को, कोई स्टेट को, कोई कैस्ट को इसमें कोई हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सभी लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में खाना खिला रहे, सभी लोगों को जो गरीब है, अभी तक हम 4 करोड़ घर बनाया, आने वाले इस 5 साल में 3 करोड़ घर बनाएंगे, आने वाले इस 5 साल में हर गरीब को अभी हम इम्प्लीमेंट करें आयुष्मान भारत के नाम पर 10 लाख रुपए हम देने वाले हैं हेल्थ के विषय पर। ऐसी भारत सरकार अलग अलग वेलफेयर एक्टिविटी हर विलेजेस में जो ग्राम पंचायती रहते हैं, ग्राम पंचायती रहने वाले साफ सुथरा करने वाले जो वर्कर्स रहते हैं उनका सैलरी भी भारत सरकार देती है। ग्राम पंचायतों में इंटरनल रोड्स को भी भारत सरकार पैसे देती है। हर आंगनबाड़ी टीचर को ग्राम पंचायती भी गाँव में शहरों में सरकार पैसे देते हैं। हर माइनॉरिटी स्टूडेंट को भी पेंशन दिया, स्कॉलरशिप देते हैं भारत सरकार की तरफ से। हम हर किसान को 1 एकड़ लैंड पे अगर वो इरिगेशन करते, उनको 1 एकड़ को 1 साल में 18,000 रुपये कास्ट फर्टिलाइजर सब्सिडी देते हैं, फर्टिलाइजर सब्सिडी। हर किसान को हम हर साल 6,000 रुपये उनके अकाउंट में डालते हैं। ये सब कुछ आते हैं, कोई भी इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये स्टेट नहीं, वो स्टेट नहीं, ये गांव नहीं, वो गांव नहीं, ये कास्ट नहीं, वो कास्ट नहीं, ये रिलीजन, वो रिलीजन, सभी लोगों को हम इस बजट के द्वारा हम वेलफेयर एक्टिविटी करते हैं। कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा